नमस्ते बच्चों, गुरुदेव अंतरजाल क्लास को आपको सुस्वागत है। मेरा नाम निरंजन। इस अवधि में सातवीं कक्षा का पाठ का संख्या 9, पाठ का नाम दिल्ली। दिल्ली के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली भारत का राजधानी है। दिल्ली में अनेक प्रेक्षणीय स्थल है बच्चों। इस प्रेक्षणीय स्थल के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का राजधानी दिल्ली। दिल्ली एक धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र और ऐतिहासिक क्षेत्र है। इतना बड़ा नगर में अनेक प्रेक्षणीय स्थल है। इन सभी प्रेक्षणीय स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों इस अवधि में। कर्नाटक का राजधानी कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या क्या है देखने के लिए? विधान सौध, लाल बाग, कब्बन पार्क, हाईकोर्ट है नहीं, सर्रन विश्वेश्वरैया, वस्तु संग्रहालय, इस्कान मंदिर, इस तरह अनेक प्रेक्षणीय स्थल बेंगलुरु में भी है। उसी तरह दिल्ली में भी अनेक प्रेक्षणीय स्थल है। ऐतिहासिक स्थल भी है, राजकीय स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है। उसमें मुख्य लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, भारत की सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, इन सभी विचार पर, इन सभी स्थल के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अनेक प्रेक्षणीय स्थल भी है। उदाहरण राजघाट, शांतिवन, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, कार्नाट प्लेस, इस तरह अनेक प्रेक्षणीय स्थल होते हैं दिल्ली में। इस पाठ का उद्देश्य है दिल्ली का शान और शौकत के बारे में और दिल्ली की शोभा के बारे में और भारत की राजधानी दिल्ली में देखने वाला स्थल के बारे में हम समझना और विचार को और उन स्थल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों। सबसे पहले इस पाठ के चलने के पहले इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी है। मैंने लिखा हुआ यहाँ शब्दार्थ हिंदी और अंग्रेजी अर्थ भी लिखा हुआ। मैंने हिंदी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अर्थ भी मैंने लिखा हुआ यहाँ। इस शब्दार्थ के बारे में हम ध्यान रखना चाहिए। बाद में इस पाठ को हम एक बार मादरी वाचन करना चाहिए बच्चों। चलिए इस पाठ के दिए गए कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे। झलक मतलब झाकी, ग्लिम्पस, दीवाने आम, आम दरबार कहलाता है, कॉमन वे, दीवाने खास, खास दरबार, स्पेशल कोर्ट, नक्काशी, चित्रकारी, कार्विंग, स्केच, शान और शौकत, वैभव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैभव कहते हैं, प्राइड कहलाता है, यादगार, स्मारक, मेमोरेबल, संगमरमर, मार्बल एक पत्थर की तरीका है, शोभा, ब्यूटी। आगे चलिए, अनोखी, अद्भुत, यूनिक, निराला, सुंदर, अद्भुत, वंडरफुल, अधिवेशन, सम्मेलन, सेशंस, सभ्यता, कल्चर, राजधानी, कैपिटल, खंबे, पोल, मीनार, टावर, भीतर, इनसाइड, सत्कार, वेलकम और हॉस्पिटैलिटी।
इसमें दिए हुए हैं कुछ सरल शब्द हमें चर्चा कर लिया। चलिए अब इस पाठ के बारे में हम देखेंगे पाठ में क्या क्या दिया और किस विषय के बारे में दिए गए हैं, छोटा छोटा परिचय दिए गए हैं, उन सभी प्रेक्षणीय स्थल के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए बच्चों। पहले दिल्ली को एक ऐतिहासिक कहानियां है। यहाँ दिल्ली को अनेक राजा और महाराजा ने यहाँ अधिकार किए हैं और दरबार किए हैं। उसमें मुगल राजा और महाराजा, दिल्ली सुल्तान्स, कुशानास, अनेक महान राजा और महाराजा ने दिल्ली को दरबार किए हैं और दिल्ली में अनेक स्मारक निर्माण किए हैं, मस्जिद निर्माण किए हैं, चर्च निर्माण किए हैं, मंदिर निर्माण किए हैं, धार्मिक क्षेत्र भी है, शैक्षणिक क्षेत्र भी है, राजकीय क्षेत्र भी है दिल्ली। इस विचार पर, इस दिल्ली बहुत सुंदर नगर है, उस नगर के बारे में हम देखेंगे, उस नगर में प्रेक्षणीय स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करना बच्चों। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, बाद में अगला अवधि में इस पाठ का विवरण देखना चाहिए। पुट संख्या 49, पाठ का नाम दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना इस पाठ का उद्देश्य है। भारत की राजधानी कौन सा है? दिल्ली। इस दिल्ली में विभिन्न स्थानों है, विभिन्न मतलब वेरिटी, वेरियस स्थल, प्लेसेस। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उन सभी स्थलों का परिचय करना उद्देश्य होता है, हम समझना चाहिए। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। उसमें पहला लाल किला। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। देखिए, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। अगला विचार, कुतुब मीनार। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यहाँ 238 फुट ऊंची है। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यही पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यहाँ गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यही पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कॉनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है। बच्चों,
दिल्ली में क्या क्या है? लाल किले है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, भारत की सचिवालय है और राष्ट्रपति भवन है, सर्वोच्च न्यायालय है, राजघाट है, शांतिवन है, बिरला भवन है, जंतर मंतर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, कार्नाक प्लेस है। सो इन सभी प्रेक्षणीय स्थल बहुत खूबसूरत स्थल होते हैं। यह स्थलों से दिल्ली की शोभा अनोखी है, अद्भुत है। बच्चों, आपके जीवन में दिल्ली जाने के लिए मौका मिले तो आप जरूर दिल्ली चलिए। दिल्ली में यह सभी प्रेक्षणीय स्थल को एक बार देखिए। तो अगला अवधि में हम इन सभी स्थल के बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे बच्चों, और पाठ का विवरण भी हम देखेंगे बच्चों। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ बच्चों। अगला कक्षा में इस पाठ का विवरण देखेंगे। सबको धन्यवाद।